नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या एक पहेली की तरह हो गए हैं। कब आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, किस तरह से आएंगे, कुछ नहीं पता है, क्योंकि हर रोज जो बयान आ रहे हैं उसने एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वक्त पहले आपको पता है कि किस तरीके से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि हार्दिक को घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है और घरेलू क्रिकेट के दम पर ही वो टीम इंडिया में वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने घरेलू क्रिकेट खेलना मुनासिब नहीं समझा और कहा कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं, उसके बाद वो टीम इंडिया में आएंगे। लेकिन अब चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा का जो बयान आया है उसने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि भाई साहब, अब हार्दिक कैसे आएंगे और कब आएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चेतन शर्मा से जब हार्दिक पांड्या को लेकर पूछा गया कि भाई साहब हार्दिक पांड्या कब आएंगे, तो चेतन शर्मा ने साफ साफ कहा कि हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट के बेहतर प्रदर्शन के दम पर ही आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हार्दिक घरेलू क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये चेतन शर्मा का बहुत बड़ा बयान आया है और चेतन शर्मा ने साफ साफ कहा है कि घरेलू क्रिकेट में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी पता चल पाएगा कि आपकी फिटनेस कितनी बेहतर है, आप कितनी बेहतर गेंदबाजी कर पा रहे हैं, आप कितनी बेहतर बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, ये सब पता चलेगा घरेलू क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तब। चेतन शर्मा ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई घरेलू क्रिकेट ना खेलें और केवल आईपीएल खेलकर आप टीम इंडिया में आना चाहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सीधा चेतन शर्मा ने अब कह दिया है। लेकिन उसके उलट अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा का एक बयान आया था। रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी की बहुत जरूरत है टी20 विश्व कप में और हार्दिक जब चाहे जब टीम में आ सकते हैं। तो इन तमाम तरह के जो बयान चल रहे हैं हार्दिक पांड्या को लेकर, क्योंकि ये तो साफ है कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट अभी टीम इंडिया को मिला नहीं है। बेशक टीम इंडिया ने कितने भी खिलाड़ियों को आजमाया हो, लेकिन हार्दिक पांड्या की जरूरत जो टीम इंडिया को है वो अभी भी बरकरार है। इसीलिए जब चेतन शर्मा का बयान ये आया है कि भाई साहब घरेलू क्रिकेट तो खेलना बहुत जरूरी है और घरेलू क्रिकेट के आधार पर ही आपको टीम इंडिया में जगह मिलेगी, तो क्या अब हार्दिक के वापसी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है? एक बार फिर से हार्दिक के जो टीम इंडिया में आने के रास्ते थे वो उन पर कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट हार्दिक खेल नहीं रहे हैं और हार्दिक को लेकर बीसीसीआई लगातार ये अड़ी हुई है कि घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी है। तो इन दोनों बयानों में आपको क्या लगता है कि हार्दिक की वापसी अब किस तरीके से होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि घरेलू क्रिकेट हार्दिक को खेलना चाहिए? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेतन शर्मा के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।